हेलो गाइस, माय नेम इज विकास एंड यू आर वाचिंग विकास फिटनेस गाइड। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, चलो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पते की बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए वैसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए। कुछ कुछ डिफरेंट कंसेप्ट लेके आता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे वीडियो देता हूँ। आप भी हमारी हेल्प करा करो यार थोड़ी बहुत, ठीक है, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, सब्सक्राइबर्स बढ़े, ठीक है। मैं अपना ट्राई माई लेवल हार्ड, आज 36 साल की उम्र हो गई, जितना मुझसे होता है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ यार, ठीक है। आज का जो वीडियो है, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं हाउ टू गेट फिटनेस जॉब इन न्यूजीलैंड। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा यार, जो मैंने जब न्यूजीलैंड के लिए जो अप्लाई करके देखा है, तो मुझे रिप्लाई किया है कि मेरा जो ये जो प्रोसेस है, मैंने बहुत पहले भी अप्लाई किया था, और मैंने अभी तो मैंने जो अभी अप्लाई मैंने करके जो देखा है, मुझे रिप्लाई आया है, मैं उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ईमेल करते हैं किसी कंपनी को, तो उनका जवाब आता ही नहीं आता आपके पास, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि उनका जवाब आया नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने सिटी फिटनेस न्यूजीलैंड के अंदर अप्लाई करने की कोशिश की। कोशिश क्या की, मैंने अप्लाई कर दिया यार, ठीक है। तो सिटी फिटनेस न्यूजीलैंड जो है, ये न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा जिम है सिटी फिटनेस, ठीक है। सिटी फिटनेस एनजेड जो है न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा जिम है, इसकी कम से कम 33 ब्रांचेज है नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। और न्यूजीलैंड के बारे में आपको पता ही है, छोटी सी कंट्री है जो एक आइलैंड पे बसी हुई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और इसके जो साइट सीन्स है, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत सुंदर जगह है। अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगे आप स्वर्ग में आके, क्योंकि वहां के फॉरेस्ट, वहां का रेन, बहुत डिफरेंट कल्चर है, ठीक है यार। पर ये हो, ठीक है। तो मतलब मैं और इसके बाद इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ न्यूजीलैंड के बारे में, मैं बसने की तो मैं कभी नहीं सोचता न्यूजीलैंड के अंदर। हाँ यार, अगर मेरे पास बहुत अच्छे पैसे अच्छे खासे आ जाएंगे, तो वंस इन अ वाइल्ड कभी, मतलब मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा घूमने के लिए। वहां पे न्यूजीलैंड के मतलब कम से कम 7 दिन के रह सकते हैं यार, 7 दिन का जो भी खर्चा होगा न्यूजीलैंड हम घूमने जा ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो मैंने जो सिटी फिटनेस के बारे में बात करा था, हम सिटी फिटनेस के जो है न्यूजीलैंड में, इसकी 33 ब्रांचेस है, तो मैंने यहाँ उनको अप्लाई करके देखा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तो इनका मुझे रिप्लाई क्या है सिटी फिटनेस का, ठीक है। तो लेट्स सी द वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूजीलैंड में यार बहुत पहले इनको ईमेल किया था, काफी पुराना ईमेल है मेरा है, बट यार बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे वहां से न्यूजीलैंड अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वहां से आपको रिप्लाई आता है, ठीक है। सो क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है न्यूजीलैंड के अंदर कि आप लोगों को वीजा नहीं मिलता है। जब तक आपके पास वर्क वीजा नहीं होगा, आप वहां पे काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज यही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब इन न्यूजीलैंड जब तक कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। हाँ, अगर आप दूसरी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया है या कोई दूसरी कैनेडियन कंट्री से आप जिससे बिलोंग करते हैं, तो जब आपको वर्क वीजा मिलने में थोड़ी आसानी होती है, तो आप वहां से आप माइग्रेट कर सकते हो दूसरी कंट्री के अंदर। इट्स नॉट इज इट्स वेरी इजी फॉर यू इफ यू आर बिलोंग टू कैनेडियन कंट्री और एनी अदर यूरोपियन कंट्री, आप किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने जो सिटी फिटनेस के अंदर अप्लाई किया था बहुत पहले, जो कि मार्क हर्डल के नाम से, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मैंने क्या अप्लाई किया। ये मेरा ईमेल है विकास यादव, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे है, ये देखो ये रहा, फ्रॉम मार्क हर्डल डॉट सिटी फिटनेस डॉट को एनजेड टू विकास फिटनेस, इन्होंने मुझे मेल किया। तो मैंने जो मेल किया वो मेरा ईमेल ही है। डियर सर, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। फिटनेस इज माई पैशन एंड आई लव टू कीप अपडेट माई सेल्फ रिगार्डिंग एक्सरसाइज साइंस। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू देयर बिकॉज आई एम इन इंडिया राइट नाउ, बट आई एम अवेलेबल ऑन स्काइपी इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू ऑन द अदर हैंड आई लव द प्लेस एंड दैट इट्स माई ड्रीम टू वर्क इन न्यूजीलैंड। आई हैव वन क्वेश्चन, डू योर कंपनी प्रोवाइड्स वर्क वीजा फॉर ओवरसीज एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और ये देखो फिर उनका ईमेल, देखो उनका ईमेल आया, मतलब यार मेरा सीवी वाकई में उनको काफी इंप्रेसिव लगा। हाय विकास, थैंक यू फॉर योर ईमेल, योर सीवी इज इंप्रेसिव एंड वी आर करंटली टेकिंग ऑन ट्रेनर्स टू स्टार्ट इन जून। आर यू इन न्यूजीलैंड येट? व्हेन वुड यू एबल टू मीट? देखा यार, वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं मुझे, ठीक है दोस्तों। और दिखा देता हूँ यार तुम लोगों को, ये भी मैंने जब अप्लाई किया था। डियर सर, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन एनजेड। इफ यू आर ओपनिंग फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयज, आई एम ग्लैड टू वर्क विथ योर टीम एंड अश्योर यू टू गिव माई बेस्ट रिगार्डिंग एक्सरसाइज साइंस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी काइंडली लुक इन टू माई सीवी आई हैव अटैच। थैंक यू इन रिगार्ड्स विकास। दो यार देखो कितने तरीके से मैंने लिखा है, तो यार एक सिंपल सा एक मैट लिखने का बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसको कैसे रिप्लाई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी सी है, और मेरी इंग्लिश यार कोई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है,
मैं भी एक लर्नर ही हूँ, ठीक है, तो मैं भी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश को जितना सीखोगे उतनी अच्छी आपकी होती जाएगी। बस ये है कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, अपने वर्ड्स को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, उसे समझा सकता हूँ अपनी बात, या कि मैं इंग्लिश में ये बोला उसको पता लग जाता है कि हाँ यार ये बंदा ये बोल रहा है इंग्लिश में, तो मेरे लिए इतना काफी है यार। ठीक है, तो और मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले यहाँ क्लिक करते हैं, तो ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे इनको किया मार्क हटल को, इनका रिप्लाई आया मार्क हटल का मेरे पास। ये तो हम शायद सुन दूसरा देखता हूँ, सॉरी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला खोलते हैं हम लोग, ये वाला खोलता हूँ। थैंक यू फॉर योर रिप्लाई विकास, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट ऑफर वर्क वीजा एज अवर टेनर वर्क एज कॉन्ट्रेक्टर्स एंड रन देयर ओन बिजनेस, इज दिस अ लिमिटेशन फॉर यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। फिर उसके बाद भैया मेरी तो फट गई, मैंने दोबारा रिप्लाई नहीं किया उन लोगों को, ठीक है। इन्होंने साफ बोल दिया कि वी डू नॉट ऑफर वर्क वीजा एज अवर ट्रेनर वर्क एज कॉन्ट्रेक्टर एंड रन देयर ओन बिजनेस एंड इज दिस अ लिमिटेशन फॉर यू। तो यार सही बात है यार, हम इंडियंस के लिए तो ये लिमिटेशन ही है। तो अब आप मुझसे पूछोगे सर जाने का तरीका क्या है, यार देखो मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपको अच्छी बता दूंगी जाने का तरीका क्या है। जाने का तरीका यार देखो आपको ही पता है, सिंपल सा है, आपको वर्क वीजा चाहिए न्यूजीलैंड के लिए, या सेकेंड जो तरीका है न्यूजीलैंड जाने का और जॉब पाने का तरीका मैं आपको बता दूं, आप वहां पे आप जाके स्टडी कीजिए, मिनिमम आपको कम से कम 2 साल का कोर्स पकड़ना पड़ेगा जब जाके आपको वर्क वीजा मिलेगा, क्योंकि 1 साल का कोर्स पकड़ोगे न्यूजीलैंड में आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। आई थिंक द क्राइटेरिया हैज बीन चेंज, अब आपको मिनिमम 2 साल के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है जब जाके आपको वर्क वीजा मिलता है 1 साल का, जिसमें आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है और अपना जो भी आपका करना पड़ता है, उसके बाद आप पीआर वीआर वगैरह वगैरह अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है कि अगर आपको पीआर मिलने में दिक्कत आ रही है तो आपको हो सकता है आपको 1 साल का कोर्स और करना पड़ेगा, तो वो बात की चीज है, वहां पे जाने के बाद ही पता लगता है कि क्या है क्या नहीं, क्या है और क्या नहीं करना। और वर्क वीजा के लिए बेस्ट है कि आप न्यूजीलैंड जो कंसल्टेंट होते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, न्यूजीलैंड के जो खुद के एनजेट एजेंट्स जो हैं मेन जी, उनके पर्सनल एजेंट जो होते हैं, उनके थ्रू आप अप्लाई करें न्यूजीलैंड के लिए वर्क वीजा के लिए, तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। सो न्यूजीलैंड जो सर्टिफाइड एजेंट्स हैं वहां से आप अप्लाई करोगे तो आपको ईजी रहेगा, आपको आसानी रहेगी जाने के लिए, तो दे विल बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ न्यूजीलैंड, और आपको अप्लाई कैसे करना है, वर्क वीजा का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आपको अच्छी मदद कर सकते हैं। और यार जो खर्चा है जो मिनिमम है, आपको पता है आप न्यूजीलैंड भी अगर आप 2 साल के लिए पढ़ने जा रहे हो, मान के चलो कम से कम 40 लाख रुपए मान के चलो यार, आई एम सॉरी टू से, इतना तो लग जाता है। अगर आप फिर भी चलो थोड़ी गरीबी में भी रहते हो तो 25-1 लाख तो मान के चलो, 30 लाख और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख भी आपके लग सकते हैं, मतलब एवरेज मैं बता रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है कि अभी रिसेंटली अभी 2019 के अंदर क्या चल रहा है, पर इतना मुझे पक्का पता है कि मिनिमम 40 लाख तो कम से कम खर्चा है, 50 लाख मान के चलो 50 लाख का खर्चा है अगर आप 2 साल का कोई भी कोर्स आप करने चाहते हो तो, ठीक है। मतलब 15 लाख या 15 से 20 लाख आपकी ट्यूशन फीस मान लीजिए, 10 लाख का आपका रहने का खर्चा, मतलब यार बहुत खर्चा होता है 2 साल का, 50-1 लाख को मान के चलो 40 से 40 to 50 लाख रुपीज 2 साल के कोर्स के लिए, जिसमें आप डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस, डिप्लोमा इन कुछ भी होता है, मेडिसिन हो गया, एक्सरसाइज साइंस हो गया, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस, कुछ भी जो भी आपकी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन डाइटिक्स, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज अ ईमेल जो मैंने आपके साथ शेयर करी, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यार मैं सिर्फ फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, हवा में मैं भी बात नहीं करता यार कोई फालतू की, तो ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइस, दिस इज विकास, और अपना ख्याल रखें दोस्तों, बस।